दोस्तों, हम प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने प्रत्यय की परिभाषा, उसके अर्थ, उसके प्रकारों का अध्ययन प्रथम भाग में कर लिया है। साथ ही कृत्य प्रत्ययों को हमने पढ़ लिया है। अब इसके अंतर्गत कृदंत प्रत्यय में आने वाले कृत प्रत्ययों को हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, शब्दों से होने वाले, धातुओं से होने वाले और तीसरे प्रकार के जो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इसी की श्रृंखला में हम कृदंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं और अब तक हमने कृत्य प्रत्यय पढ़ लिया है जो कि कृदंत का ही एक भाग है। कृदंत प्रत्यय का दूसरा भाग कृत प्रत्यय है, इसका अब हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कृत प्रत्ययों का अध्ययन। तो कृत प्रत्ययों के अंतर्गत हमें कितने प्रत्ययों का अध्ययन करना है ये आपके सामने एक पाठ्यक्रम के अनुसार मैं बता सकती हूँ कि देखिए, सबसे पहले हमें ये जो जुड़वां प्रत्यय है, अक्सर इनमें से सर्वाधिक यदि पूछा गया है तो वो इन्हीं प्रत्ययों में से पूछा गया है जो कि हमारी पहली लाइन में आप देख पा रहे हैं। सर्वाधिक आज तक जो प्रत्यय पूछे गए हैं प्रत्ययों की श्रृंखला में, सर्वाधिक प्रत्यय यहीं से पूछे जाते हैं इस पूरी श्रृंखला से। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत है त और तवतु प्रत्यय, क्षत्रि और शानज प्रत्यय, डुबुल और त्रिच प्रत्यय, त्वा और ल्यप प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय और घ्य प्रत्यय। ये वो प्रत्यय हैं जहां से 90% पोर्शन आपका पूछा जाता रहा है, तो इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्ययों के अंतर्गत यद्यपि स्त्री प्रत्यय बहुत सारे हैं लेकिन सर्वाधिक जो पूछे जाते हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। अभी तक जितने भी मैंने जो पुराने आपके पाठ्यक्रम के प्रश्नोत्तर देखे हैं उनमें इनमें से कम पूछा गया है। प्रत्ययों के अंत में हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे। इन प्रश्नोत्तरों के अंतर्गत हम देखेंगे कि आज तक इससे अधिक स्त्री प्रत्यय में नहीं पूछा गया। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्ययों की। तो तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत वे प्रत्यय जो शब्दों से होते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत मुख्य रूप से बचपन से जो हम पढ़ते आए हैं, एक तो तरल, तरप और तमप। ठीक है, दूसरा मतुप। मुख्य रूप से यही प्रत्यय सर्वाधिक पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त तो ये प्रत्यय जो कि तरप तमप के स्थान पर भी काम लिए जा सकते हैं, बिल्कुल उन्हीं का अर्थ देते हैं, इयसुन और इष्ठन। ठीक है, इनका भी हम प्रयोग करेंगे जो कि बिल्कुल तरप तमप और इयसुन इष्ठन समान है। मतु प्रत्यय हम पढ़ेंगे। तल प्रत्यय जो कि जिससे बने शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं इसको पढ़ेंगे। इमनिच और इन प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके इन प्रत्ययों की पढ़ने की शुरुआत हम करते हैं। ये एक थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया। सबसे पहले आइए अध्ययन करें त और तवतु से, इसका शुरुआत करते हैं अध्ययन की। त और तवतु, सबसे पहले देखिए त और तवतु प्रत्यय का ये जो जोड़ा है इसकी निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा संस्कृत में कहा जाता है कि या संज्ञा भवति सा सा फलवती भवति। जब भी किसी जगह कोई संज्ञा की जाती है, जो संस्कृत के छात्र नहीं है वे इस बात को अच्छे से समझ लें, संज्ञा का अर्थ नाम रखना होता है। आप सामान्य अर्थ में देखिए, बचपन से हम पढ़ते आए हैं नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, तो बस इसको भी यहाँ यही समझें कि नाम रख दिया गया है बहुत सारी चीजों का। अब नाम रख करके जब कभी भी उस ग्रुप से संबंधित कोई भी व्याकरण प्रक्रिया होगी तो उसका नाम कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसी व्याकरण की प्रक्रियाएं हैं जो सिर्फ निष्ठा संज्ञक लोगों के साथ ही होगी, तो उनका एक ग्रुप बना दिया। जैसे समाज में भी कई ग्रुप होते हैं, किसी भी संगठन में भी जाकर के ग्रुप बन जाते हैं, तो वो क्या है, उनकी संज्ञा है। ठीक इसी तरह व्याकरण की प्रक्रिया में भी कुछ संज्ञाएं बन गई है। इन संज्ञाओं को लेकर के कोई ना कोई इनका व्याकरण प्रक्रिया में प्रयोजन होगा, इसलिए संज्ञाएं रखी जाती है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, व्याकरण की प्रक्रिया आपसे बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि अक्ता और अक्तवतु जो प्रत्यय है इन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जो प्रत्यय होते हैं एक तरह से मॉडल्स की तरह कभी कभी हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। कैसे, कि जब हमें लंग लकार का प्रयोग करना होता है किसी भी वाक्य में तो उसके स्थान पर हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो समान अर्थ देता है। जैसे विधिलिंग का प्रयोग करने के लिए जैसे हमने चाहिए अर्थ की योग्यता अर्थ के प्रत्यय देखे थे, ठीक इसी प्रकार तक और तवतु प्रत्यय भूतकाल को अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। जैसे सह गतः वह गया, तो भूतकाल के अर्थ के लिए स अगच्छत हमको ये कहना पड़ता, तो अगच्छत के स्थान पर हमने इन प्रत्ययों का प्रयोग कर लिया। तो अनुवाद के अनुसार भी कुछ कुछ चीजें हम यहाँ सीखते चलें। जब कभी भी आपको भूतकाल का प्रयोग करना हो
ता और तवतु प्रत्यय से बने हुए धातुओं को हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि त के अंतर्गत तकार ही शेष रहता है। देखिए क जो आगे है ना, इसको अक्ता भी विद्वान पढ़ते आए हैं, त भी पढ़ते हैं, कत और कत्वतु बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। त प्रत्यय अक्त प्रत्यय कह दीजिए, इसमें तकार शेष रहता है, और अक्तवतु प्रत्यय इसमें तवत शेष रहता है। ठीक है, तो ये एक सामान्य इसकी जानकारी है। अब बात करते हैं मुख्य प्रयोजन इसका। ये जो प्रत्यय है ये भाव और कर्म अर्थ में प्रयोग होता है, और जो अक्तवतु प्रत्यय है ये हमेशा कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। देखिए त प्रत्यय हमेशा, जैसे मैंने कहा कि सहगत, तो जाने का भाव इसमें प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, त प्रत्यय हमेशा भाव और कर्म अर्थ में प्रयोग होते हैं, जबकि तवतु किसी, जैसे हम मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, मतु और तवतु प्रत्यय का कंफ्यूजन हमेशा लोगों को रहता है। तो पहला सबसे बड़ा तो इसमें भेद यही है कि तवतु प्रत्यय जहां लगेगा वहां धातु होगी, जबकि मतु प्रत्यय जहां लगेगा वो शब्द है। ठीक है, तो तवतु प्रत्यय करने वाला, ठीक है, कृतवान, कृतवती, करने वाला, होने वाला, वाला अर्थ के लिए, यानी कि कर्ता अर्थ की भाव को प्रकट करने के लिए अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए इसके उदाहरणों को हम देखते हैं। और हाँ, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके रूप कैसे चलते हैं। त प्रत्यय जो है इसके रूप कैसे चलेंगे, पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसकलिंग में फल के समान। तवतु में भी ऐसा होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में तो राम और रमा के समान ही चलेंगे, लेकिन नपुंसक लिंग में जगत के समान चलेंगे, भवत के समझ लीजिए या जगत के समझ लीजिए, इनके अनुसार रूप चलेंगे। कैसे, जगत जगती जगंती, जगत शब्द के समान तवतु प्रत्यय के रूप चलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे, ठीक है, अब इसके उदाहरणों को हम एक साथ देख लेते हैं। ये देखिए आपके समक्ष उदाहरण है, धातु है, और ता और तवतु दोनों प्रत्यय किस प्रकार से शब्द बनते हैं इनका हम आपके सामने देखते हैं। जैसे जगत से भवान बना, भू धातु से तवतु प्रत्यय करके भवान बना था, अभी हमने उदाहरण देखा था। अब एक एक करके इसके उदाहरण देखते हैं। ये वो प्रसिद्ध धातुएं हैं जिनके उदाहरण पूछे जाते रहे हैं, 90% यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैंने आपके सामने उदाहरण रख दिए हैं। आप पिछले प्रश्नोत्तर भी यदि देखेंगे तो उसमें इससे भिन्नता बहुत ही कम, अपवाद स्वरूप मान लीजिए, जिनका भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्री धातु करने के अर्थ में। तो क्री धातु से कृतः, रामः, रामः के समान चलेंगे ना, इसी प्रकार। इसके बाद आता है कृतवान, ये भी राम के समान चलते हैं, कृतवान, ये तवतु में ये आपको रूप दिखाई देगा, कृतः और कृतवान। ठीक है, श्रु धातु से श्रुतः, श्रुतवान। क्री धातु से क्री खरीदने अर्थ की धातु है। देखिए ये जो है करने अर्थ में, री ऋषि जब लगता है इसमें, ये करने अर्थ की धातु है, और क्री इसमें रकार जो लगा है ये क्रेति यानी खरीदने अर्थ के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो वाली क्री धातु है। एक बात और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जो क्री के अंतर्गत री ऋषि लगा है ये स्वर है भाई, ये स्वर है, और क के अंदर जो रकार लगा है ये व्यंजन है। तो इन दोनों को एक मत कीजिए, क्री धातु करने अर्थ में, क्री धातु खरीदने के अर्थ में। तो क्री से क्रीतः, क्रीतवान। त्री से तीर्णः, तीर्णवान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, री ऋषि जो है ये त्री, त्री इसमें ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा गलती लिखा गया, त्री के रिकार में दो र आते हैं, जैसे पित्री में दो आते हैं, इसी तरह श्री में भी रिकार में दो र आते हैं। तो बड़ी वाली री ऋषि यहां पर आई है, तो त्री से तीर्णवान और तीर्ण तीर्णः, ये दोनों रूप बनेंगे। इसी प्रकार श्री से शीर्णः और शीर्णवान, ये दोनों रूप इससे बनेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है, पूछे गए रूप हैं, क्योंकि इनमें वो हमें क्या कंफ्यूज करता है कि पहली बात तो जो ती है और श्री है इसमें आप बड़े ई की मात्रा देख रहे हैं, इसको छोटी कर देता है, जबकि हमने देखा है कि री ऋषि की दो मात्राएं यहां पर थी। ठीक है, दूसरी चीज वो णकार के स्थान पर नकार कर देता है। दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है, त्री से तीर्णः, श्री से शीर्णः और शीर्णवान। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दृश्य धातु। दृश्य धातु दृष्टः, दृष्टवान, ये एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छी तरह याद करके जाइए। दृश्य धातु देखने के अर्थ में दृष्टः और दृष्टवान दोनों, कृत प्रत्यय और तवतु प्रत्यय दोनों। स्मृति धातु स्मरण करने के अर्थ में, तो स्मृतः,
स्मृत और स्मृतवान, इसमें आपको कंफ्यूज करेगा वो र र लगा देगा री ऋषि के स्थान पर, तो ये ध्यान रखेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको अच्छे तरह बार बार गौर करके बता रही हूँ, क्योंकि इसी तरह के प्रश्नोत्तर जो मैंने देखे हैं पुराने, उनमें आपके विकल्पों में इसी तरह आपको कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तप से तप्त और तप्तवान, दा धातु के रूप जरूर पूछे जाते हैं, दा धातु से दत्त और दत्तवान। ठीक है, और यहां से त्यज त्यक्त और त्यक्तवान, इस प्रकार से। तो इस जो ये उदाहरण है इनके अंदर से पूछे गए बहुत ज्यादा प्रश्न हैं, तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब कुछ और इसके उदाहरण हम देखते हैं। ये उदाहरण वही है संप्रसारण से संबंधित, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों कि यण संधि जो हम देखते हैं, यण संधि का ठीक उलट जो है संप्रसारण में होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मुख्य इनमें त और तवतु के ही रूप बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो समस्या है वो क्या है, जैसे यज धातु हवन करने के अर्थ में आती है, तो यकार को ई हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको एक बार फिर से ऐसे समझ सकते हैं कि इसको लिख करके समझ सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी समझाया है, य व र और ल, ये जो अक्षर हैं ये यण कहलाते हैं हमें। ठीक है, और जो इक है ई उ रि और लि, ये जो है इनमें आपस में बदलाव होता है। जब ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, रि के स्थान पर र, लि के स्थान पर ल होता है, उसे हम यण कहते हैं। क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। और जब इसका उलट होता है, यकार के स्थान पर ई, देख लीजिए, यकार के स्थान पर ई, वकार के स्थान पर उ, वकार के स्थान पर उ, ऋकार के स्थान पर र, तो ऋकार के स्थान पर र, और बकार के स्थान पर वापस उ, ये हम देखते हैं, लकार ऋकार के स्थान पर ल, उल्टा जब होता है इसको हम संप्रसारण कहते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो अब आप देखिए इसके उदाहरण, यज धातु हवन करने के अर्थ में तवतु प्रत्यय लग करके इष्टवान इष्टवती इष्टवत, जगत जगती जगंती, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं नपुंसक लिंग में, हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद वच धातु बोलने के अर्थ में आती है, तो उक्त वच से उक्त उक्ता उक्तम। ठीक है, उक्त उक्त उक्तम, ये ध्यान रखेंगे, उक्ता में विसर्ग नहीं आएंगे, उक्त उक्ता उक्तम, ये स्त्रीलिंग में है। ग्रह धातु से त प्रत्यय करके ग्रहीत ग्रहीता ग्रहीतम, ये बनेंगे। और इसमें एक कंफ्यूजन का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट उसके पास होता है, जो गृहित है, पहली बात तो इसको रकार कर देता है वो नीचे, जिसका कि तो परिवर्तन हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता रकार, पहली चीज का ये परेशानी आपको आती है। दूसरी चीज, हकार जो है इसमें छोटी ई की मात्रा वो दे देता है। ये ऐसे प्रश्न है, इनको मैं एक एक शब्द को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, और बार बार जिस तरह के कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, वो मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। जो रिकार है इसके स्थान पर र लिख देता है और हकार में छोटी ई की मात्रा लगा देता है, दोनों ध्यान रखना है। त प्रत्यय में बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ये। तो ग्रह धातु ग्रहण करने के अर्थ में से गृहीतः गृहीता गृहीतम, ये रूप बनेंगे। इसी प्रकार वद धातु, यहाँ पर हलंत लगा लेंगे हम, ठीक है, वद धातु से उदितः, ठीक है, अब यहाँ पर ई इत्यादि कहाँ से आया, ये आगम कैसे हुआ, इसके विषय में व्याकरण की अन्य प्रक्रियाओं में हम बात करेंगे। ठीक है, कि भाई आगम संप्रसारण क्या होते हैं, आदेश क्या होते हैं, इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि वद धातु से उदितः उदिता उदितम, ये बना है व के स्थान पर। उदितवान, तवतु प्रत्यय की भी उदाहरण देख लीजिए, उदितवान यहाँ पर न हलंत होगा, उदितवान उदितवती उदितवत। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और आप ये यकीन मानिए इसमें 90% प्रश्न यहीं से सिर्फ उठ करके आते हैं। तो और इसके कुछ अपवाद स्वरूप उदाहरण हैं जो बार बार पूछे जाते रहे हैं, आइए इनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये देखिए, आपको संप्रसारण और अच्छे से यहाँ पर समझा दिया गया है। तो जो उद है, उद इसमें उद को, एक मिनट, ये उद नहीं है, अद है, अद अध है यहाँ पर, अध के स्थान पर जगदह आदेश हो गया है। ठीक है, ये एक बहुत ही अलग उदाहरण है, त प्रत्यय का उदाहरण है ये, जगदह यहाँ पर विसर्ग होगा, जगदह। ठीक है, दूसरा है पृच्छ धातु, ओहो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इसमें रह गई हैं,
तो ये आपको देखना है। जैसे पृच्छ में छ हलंत होगा, पृच्छ धातु से त प्रत्यय करके पृष्ठ बन गया है, यहाँ पर आप विसर्ग लगा लेंगे। उसके बाद पच धातु पकाने के अर्थ में, तो पक वह यहाँ पर विसर्ग होंगे। देखिए इसका एक नियम है, जब कभी भी किसी भी धातु के अंत में आपको चकार दिखे तो उसके स्थान पर क, और तकार दिखे तो उसके स्थान पर ओहो। कुछ गलतियां यहाँ पर है, इसका हम ध्यान रखेंगे। पच धातु से पक्वः, शुष्क धातु से शुष्कः, भिद धातु से भिन्नः, तकार के स्थान पर न आदेश हो गया है, देखिए दोस्तों भिन्नः ये रूप बन गया है। तो ये कुछ अलग उदाहरण थे इसके, अपवाद वाले ये भी पूछे जाते हैं। तो आपको या तो अपवाद स्वरूप पूछेंगे या ऐसी जिसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। लेकिन अपवादों को याद करने के कारण आप जो सामान्य उदाहरण है उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि गलती हमेशा सरल चीजों में होती है, इस बात का आप ध्यान रख करके चलेंगे। और इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको यण और संप्रसारण का विषय बताया था वो आपके सामने है। ई के स्थान पर य इत्यादि हो जाए, इक के स्थान पर ऊपर यण हो जाए, तो ये तो यण संधि है, लेकिन य के स्थान पर ई, व के स्थान पर ऊ, र के स्थान पर री और ल के स्थान पर री हो जाए, ये क्या है, ये संप्रसारण कहलाते हैं। तो संप्रसारण से युक्त त और तवतु के उदाहरण हमने देखे। अब हम प्रत्यय पढ़ते हैं दोस्तों, तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय बहुत ही प्रसिद्ध प्रत्यय है, सर्वाधिक पूछा जाता है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। मुख्य क्रिया को करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको क्रियार्था क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया को करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्रियार्था क्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण से समझिए, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, दो क्रिया है ना, विद्यालय जाने के लिए, पढ़ने के लिए कहां जाता है, विद्यालय। मुख्य क्रिया को करने के लिए जो क्रिया की जाए, यानी कि विद्यालय किस लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए, तो जाना क्रिया एक गौण क्रिया है, मुख्य काम क्या है वहां पर, पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो मुख्य क्रिया को करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको क्रियार्था क्रिया कहते हैं। तो जो जाना क्रिया है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो जाना क्रिया है उसको क्या कहेंगे हम, क्रियार्था क्रिया कहेंगे, क्या, क्रियार्था क्रिया कहेंगे, ठीक है। अब जो क्रियार्था क्रिया होती है उसमें तुमन प्रत्यय लगता है, जैसे पठितुम विद्यालयम गच्छति, हमने उदाहरण देखा पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाना किस लिए है, पढ़ने के लिए, तो क्रियार्था क्रिया जो है किस लिए जा रहा है, पठितुम, तो क्रियार्था क्रिया कहलाती है, तो इसमें हमको तुमन प्रत्यय लगाना है, ठीक है। इसमें बने पद अव्यय कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि हमने प्रत्ययों की शुरुआत में पढ़ा था, जो कृत प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय जो हैं, इनसे बने हुए शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, विशेषण होते हैं या संज्ञा होते हैं। तो त और तवतु प्रत्यय में हमने देखा कि उसमें विशेषण भी थे और कर्ता अर्थ में भी प्रयोग हो रहे थे। अब तुमन प्रत्यय से बने हुए पद क्या कहलाते हैं, अव्यय। तो देखिए अव्यय हमने पढ़ लिए हैं, अब देखिए आपके सामने प्रश्न रखेगा वो, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से अव्यय नहीं है, तो आपको देगा च, वा और पठितुम और एक कोई भी अन्य, जैसे गच्छति ये दे दिया। तो अब आप यहाँ पर ये कंफ्यूज कर जाएंगे कि पठितुम में तो पठ धातु है, ये अव्यय कैसे हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, तुमन प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या होते हैं, अव्यय कहलाते हैं, तुम उनका तुम शेष रहता है, ठीक है। तो मैं समझती हूँ क्रियार्था क्रिया, क्रियार्था क्रिया मुख्य क्रिया को करने के लिए जो क्रिया की जाए, ठीक है। पठितुम गच्छति, जाने क्रिया के लिए क्रियार्था क्रिया क्या होगी, पठितुम, ठीक है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। धातु के अंत में म को नकार हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी चीज ध्यान रखनी है, तुम उनका तुम शेष रहता है, जो न है इसका इत्संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, ठीक है। और धातु के अंत में म के स्थान पर न रह जाता है। इत्संज्ञा क्या है, देखिए संस्कृत वाले हैं वो इत्संज्ञा को बहुत आसानी से समझते हैं, तो इत्संज्ञा के विषय में मैं बता दूं, जब भी संस्कृत में व्याकरण की प्रक्रिया में आप कहीं भी कोई हलंत वर्ण देखते हैं ना, उस हलंत वर्ण को गायब करने के लिए एक प्रक्रिया बना रखी है, उसको हम इत्संज्ञा कहते हैं। इत्संज्ञा आराम से अपने आप नहीं होती, उसके लिए कोई ना कोई परिस्थितियां फिक्स होती है, जैसे कि निष्ठा संज्ञा इत्यादि होती है। ऐसे ऐसे होने पर हलंत्यम सूत्र से कभी उपदेश अज अनुनासिक, बहुत सारे इसके लिए सूत्र बने हैं, तो अनेक सूत्रों से मिला करके ये इत्संज्ञा हो जाती है। जब भी किसी वर्ण की इत्संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। तो
यहाँ पर न की भी इत संज्ञा हो जाएगी और जो मकार में स्थित उकार है उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। इसके अनेकानेक नियम है, इसमें आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आप ध्यान रखिए कि तुम उनमें तुम शेष रहेगा। और यदि कोई भी धातु है उसके अंत में म और न है तो दोनों को मिला करके न हो जाएगा। कैसे? जैसे गम धातु है, गम धातु जाने के अर्थ में है, तो मकार जो है जब इसका तुमन प्रत्यय जुड़ेगा तो गंतुम हो जाएगा। मकार को क्या हो गया? न हो गया। म को क्या हो गया? न हो गया। गम धातु से तुमन प्रत्यय करके गंतुम ऐसा हो गया। ठीक है। आदि स्वर को गुण हो जाता है, जैसे ची धातु चुनने के अर्थ में होती है तो चेतुम श्रोतुम इस प्रकार से। ठीक है। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण। नी धातु ले जाने के अर्थ में नेतुम, शी धातु सोने के अर्थ में शयितुम। शयितुम क्यों हो गया? इसके अनेक क्रियाएं हैं, आप ध्यान रखिए। शयितुम नी धातु से नेतुम, शी धातु से शयितुम। देखिए बता देती हूं, शी धातु है ई को गुण, ओ हो गया, उसके बाद यहां अयादि आदेश होकर के शयितुम इस प्रकार से बन गया है। ठीक है। और इसकी लंबी प्रक्रियाएं हैं, समय लग जाएगा। जी धातु से चेतुम, ची धातु से चेतुम। स्ना धातु से स्नातुम, स्नान करने के अर्थ में स्ना धातु स्नातुम। पठ धातु से पठितुम। देखिए जो हलंत धातुएं होती है, कुछ धातुएं, उनसे इकार भी लगता है साथ में। ठीक है। पठितुम जन धातु से जनितुम, क्षिप धातु से क्षेपतुम। क्षिप धातु होती फेंकने के अर्थ में, तो क्षिप्तुम। ठीक है। यत धातु से यतितुम, कुप धातु से कोपितुम। नम धातु से नंतुम, मकार को ना हो गया है, देख लीजिए। शु धातु से श्रोतुम, स्तु धातु से स्तोतुम। और इसके अन्य उदाहरण आप जो इसके प्रश्न उत्तर हम बताएंगे उसमें देखेंगे, जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं समझती हूँ तुमन प्रत्यय आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्रियार्था क्रिया में हमेशा तुमन प्रत्यय लगता है, मुख्य क्रिया को साधने के लिए जो क्रिया की जाती है। ठीक है। जैसे मैं सेलेक्शन के लिए पढ़ाती हूँ, सेलेक्शन के लिए पढ़ाती हूँ, तो सफलता यही पाठयामी, इसको वैसे लकार के अनुसार बताएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर जो क्रियार्थक क्रिया होती है उसमें तुम प्रत्यय लगता है और इससे बने पद अव्यय होते हैं, तुम शेष रहता है। बस ये इसके प्रमुख उदाहरण आपको दिखाए। अब अगला जो प्रत्यय है दोस्तों वो पढ़ते हैं हम, हुणवुल त्रिच प्रत्यय। हुणवुल त्रिचऊ ये इसका सूत्र है। नुवुल और त्रिच प्रत्यय जो होते हैं, कर्ता अर्थ में धातु के बाद नुवुल और त्रिच प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ठीक है। जो नुवुल प्रत्यय है इसका वुकार शेष रहता है, वु यानी कि ण और ल उसी प्रकार यानी कि इत संज्ञा होकर के इनका लोप हो जाता है, वु बचता है। त्रिच में त बचता है, बाकी सबका लोप हो जाता है। जो नुवुल त्रिच प्रत्यय है ये जैसा कि मैंने कहा कर्ता अर्थ में है, तो कर्ता अर्थ में क्या, करने वाला, खाने वाला, जाने वाला, रोने वाला, हंसने वाला, तो वाला अर्थ में ये प्रयोग होता है। जब वाला क्या है, एक प्रकार से कर्ता के लिए कहा गया है, तो इस प्रकार से वाला अर्थ में, कर्ता अर्थ में ये नुवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। अब देखिए युवोर नाको करके एक सूत्र होता है, सूत्र को जाने दीजिए। नुवुल का जो वो है उस वो को अक आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाएगा? वो के स्थान पर अक आदेश हो जाएगा, वो के स्थान पर अक आदेश हो जाएगा, ये एक नियम है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद कहते हैं कि स्वरांत धातु के स्वर को वृद्धि हो जाती है। स्वरांत धातु कहते हैं ऐसी धातु जिसके अंत में कोई स्वर है, उस स्वरांत धातु को के स्वर को वृद्धि हो जाएगी। और धातु की जो उपधा है, धातु की उपधा किसे कहते हैं ये भी बता देती हूँ। जैसे उपधा इससे समझ लीजिए, ये हालांकि प्रत्यय है लेकिन उपधा समझा देती हूँ। ये जो अंतिम हलंत वर्ण है इसके ठीक बाद जो स्वर आता है उसको उपधा कहते हैं। तो री ऋषि इसके अंतर्गत क्या हो गया? उपधा हो गया। ये उपधा इसका नाम रख दिया है। अंतिम हल वर्ण के ठीक पश्चात जो भी क्या आती है, जो भी अवर्ण आता है उसमें ये, जैसे री ऋषि इसमें उपधा हो गया। अकार को प्रायः आ हो जाता है, धातु की उपधा में रिस्व को गुण हो जाता है। तो दो बातें इन्होंने बताई, एक तो स्वरंत धातु होगी उसको वृद्धि और आदेश हो जाएगा स्वर को। ठीक है। और यदि उपधा में आ है, जैसे इसमें त्रिच के अंतर्गत री ऋषि है, मतलब किसी धातु में यदि अकार होता है तो उस अ के स्थान पर आदेश हो जाता है, उपधा के ऋस्व स्वर को गुण हो जाता है। और जो इसमें ऋस्व स्वर है जैसे ई को गुण ए हो गया, इस प्रकार हो जाता है। ठीक है। त्रिच प्रत्यय के विषय में आप देखते हैं ये भी कर्ता के अर्थ में होता है, लेकिन त्रिच प्रत्यय जोड़ते समय स्वरांत धातु के स्वर और धातु की उपधा के स्वर को गुण हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, त्रिच प्रत्यय जोड़ते समय स्वरांत धातु के स्वर और धातु की उपधा दोनों को ही गुण हो जाता है। जैसे कि इसमें तो क्या था,
इसमें स्वरांत धातु के स्वर को वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर गुण होगा, उनको उदाहरणों से हम समझेंगे। देखिए आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है, जैसे दीप से अनुबुल प्रत्यय किया तो ल और न, इसकी तो संज्ञा होकर लोप हो गया, वो बचता है, वो क्यों आदेश अक हो गया। देखिए दीप अक दीपक, दीप अक पा में आ मिल गया दीपक। इसी प्रकार गई ही धातु जो कि गाने के अर्थ में आती है, तो गई से गायक, गायक है क्यों हुआ, यहां पर अयादि संधि भी हो गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। गई को आय आदेश हो गया है और गायक इस प्रकार से हो गया है। देखिए संधि होगी इस प्रकार से, इन्होंने नियम नहीं बनाया, लेकिन जब संधि की परिस्थिति प्राप्त है तो उसमें संधि कार्य करना अनिवार्य हो जाता है। आपको पता है ना कि जो धातु और प्रत्यय के बीच में संधि कार्य अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं धाव दौड़ने अर्थ में धातु, दौड़ने अर्थ में धाव से धावक बन गया, पाल पालने पाव है, ये ल नहीं है पाव है, पाव पाव से अणुबुल करके पावक हो गया, भक्ष से भक्षक, ग्रह से ग्राहक, ग्रह से ग्राहक। क्या नियम है यहाँ पर, ये जो धातु होगी उसकी उपधा में यदि अ है तो देखिए ग, ग से ठीक पहले ग में जो अकार है इस ग के आ को आदेश हो गया है, ठीक है। ग्रह से ग्राहक, निंद से निंदक, नश से नाशक, है ना, नाशक क्यों हो गया, न में भी अकार था, ठीक है, आकार को आ आदेश होकर के नाशक हो गया। गई से गायक, ध्री से धारक, री से त्री से तारक, ची से चायक, पा से पायक, रक्ष से रक्षक, सेव से सेवक। इस प्रकार से नुबुल प्रत्यय के प्रसिद्ध उदाहरण देखे। अब बात करते हैं त्रिच प्रत्यय और उससे संबंधित उदाहरणों की। तो त्रिच प्रत्यय में जन से जनिता, जन से जनिता, गम से गंता, भू से भूता भविता, कथ से कथयिता, आस से आसिता, चिंत से चिंतयिता, आप से आपता, छिद से छेत्ता, दुह से दोग्धा, ची से चेता, दा से दाता, क्री से क्रेता। पहली बात तो इसमें बचता है क्या, तकार शेष रहता है, क्या रहता है, तकार शेष रहता है। आपके सामने ये सारे उदाहरण प्रस्तुत हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कर्ता अर्थ की धातुएं होती, कर्ता अर्थ के अंतर्गत त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं इकार यानी इट का आगम हुआ है। ये धातुओं के कुछ समूह होते हैं, उन समूहों में कहीं कहीं इट का आगम होता है और कहीं कहीं हमको यथा प्राप्त गुण होता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि आपता, इसे कि तो सीधा के सीधा आपता बन गया, लेकिन छिद से छेत्ता बना, तो जो यहाँ इकार था इसको गुण हो गया है, ठीक है। दुह से दोगदा यहाँ भी गुण हो गया है, जी से जेता यहाँ भी गुण हो गया, दा से दाता ही बनेगा, क्री से क्रेता बना यहाँ भी गुण हो गया। लेकिन अब यहाँ आप देखेंगे जैसे जन धातु से जनिता क्यों बना, क्योंकि कुछ धातुओं के अंतर्गत इट का आगम करना पड़ता है। अब इन धातुओं का ग्रुप है, उन ग्रुप्स को आप याद करेंगे, इससे ठीक होगा कि आप कुछ शब्दों को ही याद कर ले। तो ये शब्द आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब बात करते हैं अगले समूह की जो है त्वा और ल्यप। यहां से भी प्रश्नों में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जो कृत प्रत्यय हैं यहां सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई सी भी आपकी परीक्षा हो। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए त्वा ल्यप, एक क्रिया के पूर्ण होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो उस क्रिया से त्वा प्रत्यय होता है। जैसे एक तो हमने पढ़ी थी क्रियार्था क्रिया जो तुमुन प्रत्यय में आती थी, करने के लिए का अर्थ वो देती थी। तुमुन प्रत्यय के अंतर्गत जब दो क्रियाएं होती थी, एक क्रिया को करने के लिए दूसरी की जाती थी। पठितुम गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है। लेखितुम चलति, तो वहां पर के लिए अर्थ के अंतर्गत क्रियार्था क्रिया को हमने पढ़ा था। दोनों में भेद अच्छे से आवश्यक रखना। आप ध्यान रखिए कि जो ये क्रिया है इसमें क्या है, एक क्रिया के खत्म होते ही दूसरी क्रिया। कैसे कहेंगे हम, पढ़ाते ही खा लिया, ठीक है। एक क्रिया के पूर्ण होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कर या कर के अर्थ में इनका प्रयोग होता है, कृत्वा गत्वा लिखित्वा, इस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। इसके बाद आता है त्वा का त्वा शेष रहता है, ये जो त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय
इसका त्वा शेष रहता है। अब त्वा प्रत्यय से बने जो शब्द हैं ये हमेशा अव्यय होते हैं। देखिए तुमन प्रत्यय से बने शब्द भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, और अक्त्वा प्रत्यय से बने हुए शब्द भी हमेशा अव्यय होते हैं। धातु के अंतिम म और न का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे गम धातु से गत्वा बनेगा, गम धातु से क्या बनेगा, गत्वा, ठीक है। इसके बाद य व र ल आदि प्रथम वर्ण हो तो संप्रसारण हो जाता है, जैसे कि हमने उषित्वा रूपणा, वप्त्वा रूपणा, ठीक है, इनका हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए इकारांत धातु और त्वा प्रत्यय के बीच में गुण कार्य होता है तो, और यकार शेष रहता है। अब इसको उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझेंगे। और ल्य प्रत्यय जो होता है, जब कभी भी ल्य प्रत्यांत पद जो होते हैं वो भी अव्यय होते हैं, त्वा और ल्यप से बने हुए शब्द रूप नहीं चलते, यानी कि ये अव्यय होते हैं, शब्द रूप नहीं चलते। इसका अर्थ क्या है, अव्यय होते हैं तो अव्ययों के तो शब्द रूप चलते ही नहीं, कोई विभक्ति किसी भी वचन से परे होते हैं ये, तो ये ध्यान रखना। त्वा प्रत्यय में हमने ये देखा, सबसे पहले तो एक क्रिया के पूर्ण होते ही दूसरी क्रिया के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो पूर्व की क्रिया से त्वा प्रत्यय लगता है। दो क्रिया होती है जिसमें एक क्रिया खत्म होती है दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाता है, तो पहली क्रिया से त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। कर या कर के अर्थ में, जैसे लिखित्वा गच्छति, लिख करके जाता है, लिखित्वा गच्छति, तो कर या कर के अर्थ में लिख करके जाता है, लिखित्वा गच्छति, पठित्वा खादति, पढ़ करके खाता है, शयित्वा शयित्वा जागृति, सो करके जागता है। तो एक क्रिया खत्म होने के ठीक बाद दूसरी क्रिया होती है, मैं समझती हूँ उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। अक्त्वा प्रत्यय में क क की संज्ञा हो जाती है, त्वा बचता है, पठित्वा लिखित्वा शयित्वा चलित्वा, ये इसमें त्वा शेष रहता है। तो ये समझ में आ गया आपको वाक्य के माध्यम से, जैसे पठित्वा गच्छति, लेखित्वा जागृति, इस प्रकार से। धातु के अंत में मकार और नकार का लोप हो जाता है, ये देख लिया। यवर अलग संप्रसारण हो जाता है। इकारांत धातु और अक्त्वा प्रत्यय के बीच में हमेशा गुण कार्य होता है, यह हम जानते हैं कि धातु और प्रत्यय के मध्य में हमेशा संधि कार्य निर्विकल्प होता है, यानी कि हमेशा होता ही है, ठीक है। ल्य प्रत्यय में यकार शेष रहता है हमेशा, और ल्य प्रत्यय से बने हुए शब्द भी क्या होते हैं, पद बन जाते हैं। तो आप प्रत्यय और ल्य प्रत्यय से बने के रूप नहीं चलते। अच्छा एक बात और मैं बताती हूँ, जब कभी भी हमको धातु से कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय लगाना हो और उस धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग लगा हो तो ल्य कत्वा के स्थान पर ल्य प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे जैसे हम लिखते हैं पठित्वा गच्छति, पठित्वा गच्छति, तो यदि हमको पठ धातु उपसर्ग के रूप में मिले, सम उपसर्गकृत पठ धातु मिले, तो संपठ्य गच्छति हम क्या लगाएंगे उसमें, ल्य प्रत्यय लगाएंगे, अक्त्वा नहीं, संपठित्वा नहीं लगाएंगे उसमें। जब कभी भी धातु के आगे उपसर्ग हो और कर का अर्थ प्रयोग करना हो तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए इसके उदाहरणों से इसको समझते हैं। देखिए हन धातु मारने के अर्थ में हत्वा, हन धातु मारने के अर्थ में हत्वा, जबकि निहत्य, क्योंकि उपसर्ग में हन धातु के आगे नि उपसर्ग आ गया था, ठीक है, निहत्य मार करके, हत्वा का अर्थ भी मार करके होता है, निहत्य यानी मार करके होता है, लेकिन उपसर्ग का प्रयोग होने से यहाँ पर त्वा के स्थान पर ल्य प्रत्यय हुआ है। नश्य धातु से नष्ट्वा त्वा प्रत्यय लगा है, विनश्य ल्य प्रत्यय लगा है। यम से यत्वा और संयम्य क्यों बना, क्योंकि सम उपसर्ग यम धातु और ल्य प्रत्यय, संयम्य संयम्य। पच धातु पक्त्वा और संपच्य, भज धातु भक्त्वा और संभज्य, स्था धातु स्थित्वा, प्रस्थाय, हु धातु से हुत्वा आहुत्य, ने धातु से नीत्वा आनीय, भू धातु से भूत्वा, भूत्वा होगा भीत्वा नहीं होगा, भूत्वा, भू धातु से भूत्वा संभूय, भूत्वा होगा ये भूत्वा और संभूय, ह्री धातु हरण करने के अर्थ में हत्वा और प्रहृत्य, हत्वा और प्रहृत्य, ब्रू धातु, ब्रू धातु बोलने के अर्थ में है, ठीक है, तो उक्त्वा और प्रोच्य। देखिए ब्रू को उक्त आदेश होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसकी प्रक्रिया है, आप समझिए, आपको ये नियम याद रखना है। ब्रू धातु से उक्त्वा बनता है, उक्त्वा और प्रोच्य। ध्यायी धातु ध्यान करने के अर्थ में, तो ध्यात्वा और संध्याय, संध्याय, इस प्रकार से। तो बहुत ही प्रमुख अच्छे उदाहरण पूछे जाते हैं ये, तो आपके सामने रख दिए हैं। अब देखिए इनमें से कुछ उदाहरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए उनको समझते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण है उसका एक तो हन धातु वाला,
दूसरी चीज है आपके ह्री धातु हत्वा और प्रहृत्य। प्र के स्थान पे संहृत्य भी आ सकता है, अन्य कोई उपसर्ग भी आ सकता है, ठीक है। ये भूत्वा है, ये ध्यान रखेंगे, भूत्वा है भूत्वा। इसी प्रकार ये संभूय है, ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखेंगे, ये पूछे जाते हैं हमेशा। आइए आगे अध्ययन करते हैं, जो कि है क्षत्रिय और शानच, बहुत ही प्रसिद्ध प्रत्यय है और इनका जो प्रयोग है इसका भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय हमेशा कर्ता के अर्थ में वर्तमान काल में आते हैं, दोनों बात है। पहली बात तो कर्ता अर्थ में आते हैं, दूसरी चीज वर्तमान काल के लिए आते हैं। जैसे त और तवतु प्रत्यय हमेशा भूतकाल के लिए प्रयोग होते थे, उसी प्रकार कर्ता अर्थ में वर्तमान काल के लिए क्षत्रिय और शानच प्रयोग होंगे। अब वर्तमान काल के लिए देखिये लट लकार का प्रयोग किया जाता है ना, लकार में यदि बात करें हम तो लकार का प्रयोग किया जाता है, तो उसके स्थान पर हम क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग करके भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अब क्षत्रिय और शानच दोनों को साथ पढ़ेंगे, इनके भेद को भी हम साथ साथ समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्षत्रिय में शकार का लोप हो जाएगा, रिकार का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या अत। ये कब कब किस किस का लोप करना है इसके कुछ नियम होते हैं, फिलहाल आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो क्षत्रिय से अत शेष रहेगा, शानच से आन शेष रहेगा। परस्मै पदी धातुओं के साथ क्षत्रिय प्रत्यय होता है, परस्मै पद में लट लकार के लिए, परस्मै पद जानते हैं ना, पठती पठतः पठंती, ये परस्मै पद धातु है, जबकि सेवते सेवेते सेवन्ते ये आत्मनेपद धातु है। तो आत्मनेपद धातु से हमेशा शानच प्रत्यय लगता है, जबकि क्षत्रिय प्रत्यय परस्मै धातु के कर्ता से लगता है। दोनों अर्थ कर्ता के अर्थ में वर्तमान काल में प्रयोग होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है क्षत्रिय, जबकि कर्तृ कर्म और भाव तीनों वाच्यों में शानच प्रत्यय का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मुख्य डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, क्षत्रिय और शानच दोनों वर्तमान काल में होने वाले कर्ता अर्थ में प्रयोग होते हैं, क्षत्रिय का अत और शानच का आन शेष रहता है। क्षत्रिय का कर्ता परस्मै पद धातुओं से लगता है, जबकि आत्मनेपदी के कर्ता कर्म और भाव में शानच प्रत्यय प्रयोग होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए क्षत्रिय प्रत्यांत जो शब्द है पुल्लिंग में गच्छत की तरह, गच्छत गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः इस प्रकार से रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग में नदी की तरह नदी नद्यौ नद्यः, नपुंसक लिंग में जगत के समान जगत जगती जगंती इस प्रकार से रूप चलते हैं। जबकि आत्मनेपदी धातुओं से आन और मान जोड़ करके शब्द बनेंगे, राम पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं धातु क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय इनके कुछ उदाहरणों की। देखिये सिच धातु सिंचन के लिए प्रयोग होती है, तो अत को यहां पर सिंचन इस प्रकार से रूप बनेगा, हालांकि अत शेष रहता है लेकिन इसमें बदलाव भी आते हैं। जैसे सिंचन बन गया है, सिच से क्षत्रिय प्रत्यय करके सिंचन बन गया, जबकि शानच से सिंचयमान क्या रूप बना है, सिंचयमान राम के समान, ठीक है। कथ धातु से कथयन कहते हुए, किसी भी काम को करते हुए का जब हम बताते हैं यानी कि वर्तमान काल बताते हैं, जैसे पठन गच्छति पढ़ते हुए जाता है, लिखन वदति लिखते हुए बोलता है, ठीक है। इसी प्रकार पठन खादति पढ़ते हुए खाता है, तो इस प्रकार से किसी भी कार्य के जारी रहने की सूचना हमको क्षत्रिय प्रत्यय से मिलती है। आते इसके अंतर्गत शेष रहता है और जब इसके रूप बनते हैं तो हमको अधिकतर ना दिखाई देता है। जैसे गच्छ धातु से गम धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके गच्छन इस प्रकार का रूप सिद्ध होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्षत्रिय प्रत्यय किसी भी कार्य को जारी रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सिंचन कथयन नुद धातु प्रसन्न करने के अर्थ में, नुदति प्रसन्न करने के अर्थ में, तो नुदन देखिए नुदन नृत्यति प्रसन्नता के साथ प्रसन्न रहते हुए नाचता है। अब भुज धातु भोजन करने के अर्थ में, तो भुंजन लिखति खाते खाते भी लिखता है, ठीक है। अब शानच प्रत्यय में देखेंगे इसमें कर्ता दिखाया गया है, सिंचय मानह सींचता हुआ कोई आदमी, वर्तमान काल तो बताया है इसमें लेकिन कर्ता को बताया, सिंचन सींचने वाला कोई व्यक्ति, हम किसी माली के विषय में कह रहे हैं सिंचय मानह सह रुदति, सींचने वाला वह पुरुष रो रहा है, ठीक है। कथे मानह कहते कहने वाला, नुद मानह प्रसन्न होने वाला, भुंजानह ठीक है भोजन करने वाला। इस प्रकार अन्य इसके उदाहरण देखते हैं। अब देखिए क्षत्रिय प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों प्रकार के शब्द हम देखेंगे। जैसे कि हमने देखे गच्छन के समान चलते हैं, तो गच्छन
गच्छन पुल्लिंग में बनता है, गच्छन्ति स्त्रीलिंग में बनेंगे, और जगत जगति जगंती, तो इस प्रकार से इनके एक एक रूप देखेंगे क्योंकि प्रत्यय के अंतर्गत यहीं से पूछे जाते हैं। देखिए प्रच्छ धातु पूछने के अर्थ में प्रच्छन पूछते हुए, प्रच्छन्ति पूछती हुई, प्रच्छत पूछता हुआ, ठीक है। रुद धातु रोने के अर्थ में रुदन रुदती रुदत, रुदन रुदती रुदत। देखिए वर्तमान काल पुल्लिंग में हमेशा नकार दिखाई दे रहा है हर जगह जुवत को छोड़ करके, ठीक है। पठ धातु से पठन पठंती, ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ती आ रहा है ना ये बड़ी की मात्रा आ रही है, जबकि रूप जब चलाते हैं गच्छति पठति लिखती उसमें त की मात्रा छोटी की आती है, जबकि गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः जब रूप बनते हैं स्त्रीलिंग में क्षत्रि प्रत्यय लगा करके जब रूप बनते हैं तो ये रूप हमेशा ती में बड़ी ई की मात्रा लेकर आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हन धातु हत्या के अर्थ में, तो हन को घ्नन आदेश होता है और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रख के जाइएगा। हन धातु से घ्नन घ्नन्ति घ्नति और घ्नत इस प्रकार से रूप बनेंगे। हु धातु को जुह आदेश हो जाता है व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की अनेक प्रक्रियाओं में, तो आपको याद रखना है जुहवत जुहवती जुहवत इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो जुहवत और जुहवत दोनों समान चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे क्षत्रि में और नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों में। ज्ञा धातु जानने के अर्थ में, तो जानन जानती जानत जानन जानती जानत। भी धातु डरने के अर्थ में, तो भी को बिभ्य आदेश हो जाता है, तो बिभ्यत बिभ्यति बिभ्यत, ठीक है। द्वित्व इत्यादि होकर के बहुत सारे इसमें परिवर्तन होते हैं, फिर पूर्व प्रयोग होता है, इस प्रकार भी धातु से बिभ्यत बिभ्यति बिभ्यत। इस प्रकार स्था धातु से तिष्ठन, स्था को तिष्ठ आदेश होकर के रूप चलते हैं। जैसे दृश्य धातु देखने के अर्थ में आती है ना, लेकिन उसके रूप चलाएंगे कैसे, लटलकार में पश्यति पश्यतः पश्यत, क्यों, क्योंकि दृश्य को पश्य आदेश हो गया है। इसी प्रकार स्था धातु बैठने के अर्थ में होती है, तो स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है, तो तिष्ठन बैठता हुआ, तिष्ठन्ति बैठती हुई, तिष्ठत बैठता हुआ। ह्री धातु से हरन हरन्ति हरत, हरन हरन्ति हरत। दा धातु को ददत ददती ददत, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सर्व प्रमुख आप देख लीजिए हन धातु, ठीक है, रुद धातु, जुहवत धातु, बिभ्यत धातु, तिष्ठ धातु, ये ऐसी धातु है जहां बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई देता है तो पूछा जाता है ये। अब शानच के देखते हैं इसी प्रकार से, देखिए यज से यजमान, कह कह गच्छति यजमान पुरुष गच्छति, वह पुरुष जो यज्ञ कर रहा है वह जाता है, तो कर्ता अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो यजमान सह गच्छति, यज्ञ करने वाला वह पुरुष जाता है। यजमाना स्त्री के लिए, यजमानम नपुंसकलिंग के लिए। एध धातु वर्धन करने अर्थ में, वृद्धि करने अर्थ में आती है, बढ़ने अर्थ में। एध मान पुरुष गच्छति, बढ़ता हुआ पुरुष जा रहा है। एध माना स्त्री, एध मानम नपुंसकलिंग। रम धातु रमण करने के अर्थ में, तो रम माण रम माणा रम माणम इस प्रकार। कंप कांपने के अर्थ में, कंप मान कंप माना कंप मानम। वृद्ध धातु वर्धमान वर्धमाना वर्धमानम। भुज धातु भुंजान भुंजाना भुंजानम, ठीक है। याच धातु याचमान याचमाना याचमानम। अधि ई, ये प्रसिद्ध धातु है जो पूछी जाती है। अधि उपसर्ग करके इण गतौ धातु, जो कि वृद्धि के मूवमेंट मूव गति के अर्थ में पूछी जाती है। अधि ई अधियान अधियाना अधियानम इस प्रकार। शी धातु सोने के अर्थ में, शयाना शयाना शयानम, ये भी एग्जामिनर का प्रमुख प्रसिद्ध प्रश्न है। देखिए एक तो शी धातु का, दूसरा अधि ई धातु का। इसी प्रकार से ये यजमान और एधमान, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। और अब कृत प्रत्ययों के अंतर्गत अब पढ़ेंगे हम घ्य प्रत्यय। घ्य प्रत्यय जो कि भाव अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। घ्य प्रत्यय हमेशा नित्य रूप से पुल्लिंग प्रत्यय होता है। इसके अंतर्गत घ्य में इया खाली और घ इसका लोप होकर के अकार ही शेष रहता है। अब अजंत धातुओं से घ्य प्रत्यय धातु की अंतिम स्वर को वृद्धि करता है और धातु की उपधा में भी वृद्धि करता है। तो सारी बातें फिर से देख लेते हैं। पहली बात तो घ्य प्रत्यय हमेशा भाव अर्थ में प्रयोग होता है, पुल्लिंग में प्रयोग होता है, अशेष रहता है। और जो अजंत स्वर अंत है जिन धातुओं में, इन धातुओं से घ्य प्रत्यय होता है, तो इसमें क्या होता है, स्वर जो होता है अंतिम स्वर, जैसे पा धातु है, अंतिम स्वर को वृद्धि हो जाती है। दूसरी या और उपधा जो होती है, जैसे कि हमने उपधा का अभी विवरण दिया था, उपधा को भी वृद्धि हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण देखते हैं। घ से अस धातु होने के अर्थ में भाव, देखिए
अस धातु होने के अर्थ में होती है, लेकिन उसके रूप कैसे चलते हैं, भवति, भवतः, भवन्ति। तो अस धातु से उसी परिपेक्ष में हम देखें तो अस धातु से भावः ये रूप बनेगा। शम से शमः, शम शांति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। शमः, शोषः, क्या कहा था, उपधा को वृद्धि हो जाती है, उपदा को गुण हो जाता है। तो देखिए उ को ओ हो गया है, युज को योगः, शप को शापः, मिल को मेलः, वद को वादः, गृह को ग्राहः, रुद को रोधः, भिद को भेदः। अब देखिए इसके उपसर्गों के साथ वाले प्रयोग देखिए, भाव को प्रभाव हो गया, तुष को तोषः होता है, लेकिन यहाँ पर सन उपसर्ग और जुड़ गया है तो संतोषः, आधारः, संस्कारः, विलापः, आचारः, विवाहः, संतानः। देखिए कितना अच्छे से रूप बना है, सम उपसर्ग तन धातु से घ्य प्रत्यय करके संतान ये रूप बनता है। और मैं बता दूं प्राचीन हमारी जो संस्कृत है इसमें संतान का अर्थ पुत्र भी इस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी पुत्र का मतलब संतान, पुत्र का मतलब क्या, संतान, उसमें लड़का और लड़की वाला भाव नहीं होता। पुत्र यहाँ पर पुत्रा जायते, संतति जायते, प्रजा जायते, तीनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। प्रजा का अर्थ भी संतान है, संतान का अर्थ भी संतान है, पुत्र का अर्थ भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान होता है, लेकिन कई देवियां भी तो होती है ना, लेकिन हम समूह रूप में क्या बोलते हैं कि भगवान होता है, इसी प्रकार पुत्र का अर्थ या पुत्र और पुत्री दोनों से होता है भाई। यहाँ पर पुत्र का अर्थ केवल केवल पुरुष नहीं है, लड़का नहीं है। इसी प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं उसमें भी सिर्फ पुत्र प्राप्ति अर्थात संतान हो जाए, मुझे पुत्र यानी लड़का ही हो जाए, इसलिए नहीं होता वो। तो ये ध्यान रखना है हमें, सम उपसर्ग तन धातु और घ्य प्रत्यय संतान। विकृप घ्य विकल्पः, विकल्पः प्रस्तुत प्रस्तावः, इस प्रकार से घ्य प्रत्यय के कुछ ऐसे शब्द देखे जो वर्तमान में हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं, प्रभाव, संतोष, आधार, संस्कार, विलाप, आचार, विवाह, संतान, विकल्प, प्रस्ताव, ये ऐसे शब्द हैं जिन सभी शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको पता लग गया कि कौन कौन से इसमें उपसर्ग लगे हैं, कौन सी धातु है और घ्य प्रत्यय के प्रयोग हैं ये, जिनको हम सामान्य हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कृत प्रत्यय के कुछ विशेष ये जो प्रत्यय थे उनका भी हमने अध्ययन किया, बाकी के प्रत्ययों का अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।